हेलो जी, एक बार फिर आप सबके सामने। तो इस बार हमने फिर एक प्लान बनाया नया। इस बार छोटा मोटा प्लान नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कहीं आसपास। इस बार हम जा रहे हैं दूर। बड़ा ही प्लान इस बार बनाया है। फिलहाल तो हमारी पैकिंग वुकिंग हो रही है। ये हमारा देख रहे हो, कपड़े प्रेस कर रहे हैं। लौंडा बस चार्ज दे तेज देना मुझे 1,000 पर प्रेस। है। नहीं, हमारा ये लग्जरी वाला, बड़े बड़े होटलों में ये लग्जरी वाला हमारा आयरन बंदा करता है। जिसने भी करवानी है भाई, इससे कांटेक्ट करना धर्मराज से। फ्री में सिर्फ ये मेरी करता और किसी की नहीं करता, हाँ जी, है ना? इंस्टा यूट्यूब के नीचे अपना इंस्टा का लिंक दे देंगे, वहां कांटेक्ट कीजिएगा। तो फिर बने रहिए, आपको आगे बताते हैं कहाँ जा रहे हैं और कितने दिन का हमारा टूर होगा। तो जैसे भी होगा हम आपको आगे बताते हैं। अभी पैकिंग करके चलते हैं नीचे गाड़ी के पास पार्किंग में। तो बने रहिए। कपड़े नहीं पसंद आ रहे हैं, कौन से पाने हैं कौन से नहीं, सारे ले चलते हैं। ये देखो आयरन कर रहे हैं, सारे ले चलते हैं, वहां जाके जो उनसे पाना होगा पा लेंगे। चलो गाइस, पैकिंग हो गई है, अब हम निकलते हैं। सब कुछ ले लिए जितने जितने, कमरा बंद करके चलो चलते हैं। केवल चलो गाइस, हमारा ट्रिप होता है यहाँ से स्टार्ट। बाकी क्या हो गया? दिल्ली दिख रहा हूँ। चल कुछ नहीं होता, उसने भी तो जाना ही था, उसने भी तो जाना ही था। तो गाइस हम अपने रास्ते निकल चुके हैं। तो अभी हमने आपको बताया नहीं ना हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं लंबी ट्रिप पे। धर्म चल, तो भी बता दें हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग अभी उत्तराखंड के लिए निकल रहे हैं। हम अभी जा रहे हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हमारा मेन जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है देहरादून। हमें देहरादून में कुछ छोटे मोटे दो तीन काम से हैं हम दोनों को। वो हमारे काम थोड़ा अर्जेंट कल ही निबेड़ रहे थे, इस करके हमको रात को निकलना पड़ा देहरादून के लिए। बाकी तो देहरादून जा रहे हैं तो फंक्शन तो हो ही। निकले हैं हमने अपने दो दोस्त, दो नहीं दो तीन दोस्त और लेने, जो आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में हमारे साथ थे, जो हमने भूतिया व्लॉग बनाया था ना, उस व्लॉग में वो हमारे साथ ही है। और हम लोग निकले भी हैं उस टाइम पे जब हिमाचल का वेदर जो है ना काफी खराब है। आया गाइस, देखो हमारी गैंग आ गई पूरी। नहीं बाहर ही रहो तुम, फ्यूम लाया। ये हमारी गैंग पीछे, सप्पल गैंग, सप्पल गैंग। ये किसी का मैंने जूते पा रखे हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको। गाइस हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है। अभी निकले थे उत्तराखंड के लिए, देख लो रास्ते में क्या हो गया। ट्रक ट्रुक नीचे लैंडस्लाइड की वजह से गिर गया होगा, उसको उसकी वजह से सारा रोड ब्लॉक हो गया। ऐसा लग रहा है वेट करके। अंशुमन भाई आप बताओ कैसा लग रहा है वेट करके? काफी देर हो गया है वेट करते करते, देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं। ये आ गए हमारे बंदे, कैसा लग रहा है रात कितनी मेहनत करके? कैसा लग रहा है? ये जो मजा बन रहा बतावल नहीं जा सकेला। या गाइस देख लो, हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो इस करके हमको कुछ, बाकी अभी अब मैं आपको बता नहीं सकते क्या हुआ। बाकी अभी हमको मिलते हैं आपको रास्ते में। गाइस फाइनली अब फ्री हुए हैं हम अपने काम से। हमारे जो दो साथी थे वो अपना काम निबेड़ के आ गए हैं। हाल ही में अब निकलेंगे हम अपने मेन ट्रिप के लिए। अब हम निकल रहे हैं, पहले सबसे पहले फ्यूल डलवाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। गाइस अभी हम फ्यूल डलवा रहे हैं, देखो गाइस देखो फ्यूल डल रहा है अभी। गाइस देखो एक अड़चन दूर करी, दूसरी अड़चन हमारे सामने आ गई। बट देखते हैं कोई हल मिलता है तो इसका। देखो एक अड़चन दूर करी थी, अब दूसरी अड़चन आ गई। लैंडस्लाइड हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता। बाकी देखते हैं, इतनी सी जगह में गाड़ी निकलती है तो निकाल लेंगे, वैसे निकाल ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी जगह में जिसे तू बरात में आ रहा है, वह जगह कहाँ है? आओ इधर से पहले। नहीं जाएगा, इधर से जाएगा, पहले ऐसे गिरेगा एक बार। I'm gonna make you mine.
क्या कहना चाहेंगे फिर हमारे रास्ते के लिए? सबसे पहले तो हम लोग जब से निकले थे जितनी सारी लैंडस्लाइड्स हो रही थी वो अभी हम सब कुछ पार कर चुके हैं। ये है कि अब हम हिमाचल को ड्रॉप करने वाले हैं और बहुत जल्द हम दूसरे स्टेट में एंट्री करने वाले हैं। यार निकल ही गई। ओए जिशु सो रहे तू? जिशु का बर्तवारी आया इसलिए वो थोड़ा सा अपसेट है, अभी इतनी जल्दी से साथ नहीं करना ना। नाम विक्रम का नाम यार भाई यहाँ से देहरादून रह गया कितना रह गया? 162 किलोमीटर रह गया अभी हम यहाँ पे हैं। 162 रह गया? हाँ देहरादून पहुंच के ये ब्लॉग स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी थकावट हो गई। जल्दी से पहुंच जाते हैं वहाँ, कोई रूम लेते हैं, फिर फ्रेश होकर जो हमारा काम था वो निबेड़ लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं देहरादून से। बने रहिए और देखिए रहिए। देखो अभी हम हिमाचल में से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ का व्यू देखो आप, ये देखो क्या जबरदस्त व्यू है। व्यू देख रहे हो आप, कितना पानी, इतना पानी। एक बार व्यू चेक करो आप, कितना मस्त व्यू है, बड़ा ही मस्त व्यू है। ये खड़ी हमारी H05, बाकी चलते हैं आगे, ये दिखाते हैं। हेलो गाइस, फाइनली हमने रूम बुक कर लिया और रूम पे आ गए हैं। तो अब गाइस तो अभी रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे जिस काम के लिए हम देहरादून आए ना वो काम निबेड़ते हैं। पहले रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद तैयार शहर होके फिर अपना काम निबेड़ेंगे, फिर वापस उसके बाद जो भी प्लान होगा वो देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे, बाय।